वेलकम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम हरियाणा के 26 से लेकर 31 दिसंबर तक के करंट अफेयर्स करेंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीप धाल एजुकेशन में। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको नए साल की मुबारकबाद हो। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हरियाणा का पहला लाल डोरा मुक्त गांव कौन सा बना है? तो ये है सिरसी गांव। तो फ्रेंड्स, सिरसी गांव जो है ये करनाल जिले में है और ये हरियाणा का पहला लाल डोरा मुक्त गांव बना है। तो 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जो है सिरसी गांव को लाल डोरा मुक्त गांव घोषित किया है और इसकी जो है वो अभी मैपिंग की जा रही है। नेक्स्ट, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किस जिले की अनाज मंडी में अटल किसान मजदूर कैंटीन का उद्घाटन किया है? तो ये किया है करनाल जिले में। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 25 दिसंबर 2019 को करनाल की नई अनाज मंडी में अटल किसान मजदूर कैंटीन का उद्घाटन किया है। तो इसमें जो है दोस्तों, जो खाना दिया जाएगा वो 10 रुपये में भरपेट थाली दी जाएगी और ये जो है जो किसान होंगे, जो मजदूर होंगे, जो अनाज मंडी में आते हैं, तो उनके लिए ये सुविधा शुरू की गई है। तो अभी जो ये करनाल और इसके अलावा जो है कुछ जिलों में स्टार्ट की गई है, धीरे धीरे जो है वो इसको सभी जिलों में शुरू किया जाएगा। तो मार्केटिंग बोर्ड द्वारा जो है वो प्रदेश के 25 स्थानों पर इस तरह की कैंटीन शुरू की जा रही है। और करनाल, फतेहाबाद, पंचकुला, भिवानी तथा नूह में जो है वो मजदूरों, किसानों एवं व्यापारियों के लिए यह कैंटीन जो है वो शुरू की जा चुकी है। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले से व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम पर आधारित किलोमीटर स्कीम बस सेवा का शुभारंभ किया गया है? तो ये किया गया है गुरुग्राम से। तो हरियाणा के परिवहन मंत्री हैं इसमें मूलचंद शर्मा, इन्होंने गुरुग्राम में व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम पर आधारित किलोमीटर स्कीम बस सेवा का शुभारंभ किया है। तो ये जो है स्कीम किलोमीटर के आधार पर है, तो इसका जो है वो कुछ विरोध भी हो रहा है, तो ये भी चल रहा है सिस्टम। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा किस जिले में बाल महोत्सव का आयोजन किया गया? तो ये किया गया है गुरुग्राम में। तो हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद ने गुरुग्राम में 19 से लेकर 23 दिसंबर 2019 तक बाल महोत्सव का आयोजन किया है और हरियाणा के राज्यपाल श्री सत्यदेव नारायण आर्य जो है वो बतौर मुख्य अतिथि अंतिम दिन जो उसमें शामिल हुए थे। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में 26 दिसंबर को सूर्य ग्रहण मेले का आयोजन किया गया? तो ये किया गया है कुरुक्षेत्र में, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा। तो धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण मेला के अवसर पर जो है वो पवित्र ब्रह्म सरोवर में श्रद्धालुओं ने मोक्ष की डुबकी लगाई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा के कौन से खिलाड़ी भारत के 229 में वनडे खेलने वाले खिलाड़ी बने हैं? तो ये है नवदीप सैनी। तो नवदीप सैनी जो है वो भारत की तरफ से वनडे जो खेलने वाले 229 में खिलाड़ी बने हैं। इन्होंने जो है वो भी वेस्ट इंडीज के खिलाफ श्रृंखला हुई थी 3 दिवसीय, उसमें भाग लिया था। तो तेज गेंदबाज है नवदीप सैनी, जो कि करनाल के तरावड़ी के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को किस समुदाय के हित में काम करने के लिए प्रशंसा पत्र दिया गया है? तो ये है सिख समुदाय। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को संयुक्त राज्य की सीनेट की ओर से सिख समुदायों के हित में कई काम करने और इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा इस समुदाय को दिए गए सतत समर्थन के लिए प्रशंसा पत्र दिया गया है। नेक्स्ट, हरियाणा पुलिस ने नशा तस्करी की सूचना देने के लिए कौन सा टोल फ्री नंबर जारी किया है? तो ये है 1800 180 1314, यानी कि इसको बोल सकते हैं 1800 180 13 14। तो प्रदेश में नशा तस्करी को खत्म करने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत हरियाणा पुलिस द्वारा टोल फ्री नंबर 1800 180 13 14 जारी कर लोगों से इस संबंध में सूचना देने के लिए आग्रह किया गया है। तो ताकि जहाँ पे भी आपको लगे कि नशा तस्करी की जा रही है, तो आप इस नंबर पर सूचना देंगे
तो आपकी पहचान जो है वो गोपनीय रखी जाएगी। नेक्स्ट है, हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने किस जिले में वन स्टॉप सेंटर सखी का उद्घाटन किया है? तो ये किया इन्होंने कैथल जिले में। तो हरियाणा की महिला एवं बाल विकास, इसके अलावा जब अभिलेखागार राज्य मंत्री है कमलेश ढांडा, तो इन्होंने कैथल में वन स्टॉप सेंटर सखी का उद्घाटन किया है। जरूरतमंद महिला सखी सेंटर से जब वो संपर्क हेतु महिला जो हेल्पलाइन सेवा है वो 181 पर संपर्क कर सकती हैं। तो ये जो सखी सेंटर होते हैं इनमें जो महिलाएं उत्पीड़न की शिकार होती है वो अपनी शिकायतें बता सकती है और यहाँ से जो है वो 24 घंटे परामर्श ले सकती हैं। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में राज्य स्तरीय सुशासन दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो ये किया गया है गुरुग्राम में। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो है 25 दिसंबर को गुरुग्राम में आयोजित राज्य स्तरीय सुशासन दिवस कार्यक्रम में भाग लिया था और इस अवसर पर जो है वो मुख्यमंत्री ने 22 जिलों की वेबसाइट का भी शुभारंभ किया था और इसके अलावा जो है उन्होंने जो सिरसी गांव था उसको लाल डोरा मुक्त करने की घोषणा भी की थी और इसके अलावा कुछ और घोषणाएं भी उन्होंने वहां से की थी। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किस जिले के गांव गुरावड़ा को डिजिटल गांव घोषित किया है? तो ये है रेवाड़ी जिले का गांव। तो केंद्रीय दूरसंचार सूचना प्रौद्योगिकी और कानून मंत्री है रविशंकर प्रसाद, इन्होंने 25 दिसंबर को रेवाड़ी जिला के गांव गुरावड़ा को डिजिटल गांव घोषित किया है और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश के 6 लाख गांव में से 15% को अगले 4 साल में डिजिटल गांव में बदलेगी। तो इससे जो है वो गांव के निवासियों को एक क्लिक पर सरकार की सैकड़ों योजनाएं जो वो मिलने लगेगी और उन्हें शहरों, ब्लॉक और तहसील तक नहीं जाना होगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2019 में कौन से पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल का आयोजन किया गया? तो ये था 12वां। तो पंचकुला जिले के पिंजौर गार्डन में जो है ये 12वां पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल का आयोजन किया गया था और हरियाणा के पर्यटन मंत्री जो कंवरपाल गुर्जर हैं उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट, हरियाणा के किस बॉक्सर को डोप टेस्ट में फेल होने के कारण 1 साल का बैन लगाया गया है? तो ये है सुमित सांगवान। तो करनाल जिले के रहने वाले हैं सुमित सांगवान और ये पूर्व ओलंपियन बॉक्सर हैं। तो इन पर जो है नाडा ने डोप टेस्ट में फेल होने के कारण 1 वर्ष का बैन लगाया है और यह बैन जो है इन पर 26 दिसंबर 2019 से शुरू हुआ है जो कि 26 दिसंबर 2020 तक रहेगा। नेक्स्ट है, सुशासन इंडेक्स में हरियाणा को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें हरियाणा जो है वो 7वें स्थान पर रहा है। तो केंद्र सरकार के सुशासन इंडेक्स में हरियाणा जो है वो देश में 7वें स्थान पर रहा है। तो इसमें जो है बड़े राज्यों की श्रेणी में जो है वो तमिलनाडु पहले नंबर पर रहा है, केंद्र शासित राज्यों की श्रेणी में पुडुचेरी पहले स्थान पर रहा है और इसके अलावा पहाड़ी तथा उत्तर पूर्वी राज्यों की श्रेणी में हिमाचल प्रदेश टॉप पर रहा है। नेक्स्ट, हरियाणा के किस गांव में मसाला मंडी बनाने की योजना को हरियाणा सरकार ने मंजूर किया है? तो ये है सेरसा गांव में। तो सेरसा गांव जो है वो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में है और इस सेरसा गांव में मसाला मंडी बनाने की योजना को हरियाणा सरकार ने मंजूर किया है। तो हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जय प्रकाश दलाल ने जो इसकी पुष्टि की है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में 2 क्वेश्चन हैं आपके लिए, तो इनके आंसर आप जरूर दीजिएगा। और दोस्तों, जो इस वीडियो का आपका डिस्क्रिप्शन है उसमें भी आप जरूर देखिए, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपके लिए हैं। तो जो हमने पीछे काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस करवाए हुए हैं तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन है, न्यूजेन मोबिलिटी समिट 2019 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसमें आपके ऑप्शन है ए करनाल, बी फरीदाबाद, सी गुड़गांव या डी अम्बाड़ा। तो इसका आंसर आपको अभी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। और दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए कि हरियाणा के किस रिफाइनरी ने विंटर ग्रेड डीजल विकसित किया है? तो इसमें आपके ऑप्शन है ए हिसार रिफाइनरी, बी पानीपत रिफाइनरी, सी करनाल रिफाइनरी या डी सिरसा रिफाइनरी। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप अभी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।
और जो हमने इससे पिछली वीडियो में क्वेश्चन पूछे थे आपसे, तो उनके आंसर बता देते हैं। क्वेश्चन था कि हरियाणा के किन दो जिलों में महिला पुलिस स्वयंसेवक योजना लागू की गई है? तो ये की गई है दोस्तों महेंद्रगढ़ और करनाल में, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। लगभग सभी दोस्तों ने सही आंसर दिया इस क्वेश्चन का। और दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था आपसे कि किस योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों को बेहतरीन बनाने हेतु गोद लेने की सुविधा दी गई है, तो यह है दोस्तों फुलवारी के तहत, तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो सभी दोस्तों ने जो है लगभग इनके आंसर सही दिए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। और अगर आप इसी तरह के हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल संदीप झाला एजुकेशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो दोस्तों एक बार फिर से आपको, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और आपके लिए नववर्ष जो है वो खुशियाँ लेकर आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।